कसम तुझे कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हम शाही रहना कभी ना कहना हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं फिर आ चुका हूं न्यू स्टेटस एडिटिंग के साथ। तो गाइज, आपने प्रीव्यू में तो दिखा ही होगा कि स्टेटस कैसे बना है। अगर सेम स्टेटस आपको भी ऐसे ही बनाना है तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आपको ऐसे स्टेटस बनाने के लिए किसी की भी फ़ोटो के साथ बना सकते हैं, ठीक है गाइज। और गाइज, बीट मार्क और सेक इफेक्ट का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से अलाइट मोशन ऐप है तो बीट मार्क और सेक इफेक्ट दोनों को डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो अलाइट मोशन का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और इंस्टॉल कर लेना। तो आप आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसे में अलाइट मोशन स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर लेने के बाद हम प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है। तो गाइस, इन जितने भी रिलिक्स हैं, ठीक है, उन सभी में हमें सिर्फ इफेक्ट्स का हमें ऐड करना है, ठीक है। ओनली रिलिक्स वाले इफेक्ट्स का हमें जितने भी रिलिक्स हैं उन सभी में इफेक्ट्स को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को हमें क्लिक कर लेना है, फिर एडिट टेक्स्ट क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी नाम रहेगा या किसी के भी नाम किसी के नाम भी लिखना रहेगा तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल PS4050, ऐसे आप नाम लिख लेना, ठीक है ऐसे लिख लेना। फिर उसके बाद हमें फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। तो जितने भी खाली बीट मार्क हैं उन सभी में हमें फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो फ़ोटो को आइए चलिए ऐड करते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐड करने के लिए नीचे कॉर्नर पर प्लस और प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडियम क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पे जिस फोल्डर में आपको फ़ोटो रहेगा उस फोल्डर में हमें चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाने के बाद हमें उस जो फ़ोटो रहेगा उसको हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर कॉर्नर पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट को हमें क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद फिल कंपोज्ड एरिया को हमें क्लिक कर लेना है, फिर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले बिट मार्क मारना है, फिर बाकी पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। फिर अगला फ़ोटो चाहिए तो हमें प्लस को क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडिया में क्लिक कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इमेज ले लेना है, फिर उसके बाद थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद कंपोज एरिया को हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर अगला बिट मार्क बनाना है, फिर बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। फिर फोटो को ऐड करना है तो नीचे कॉर्नर पर प्लस और प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो फ़ोटो रहेगा, ठीक है, जो फ़ोटो रहेगा उस फोटो को हमें क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कंपोज एरिया को क्लिक कर लेना है, फिर अगले बिट मार्क बनाना है, फिर बाकी पार्ट को यहाँ से अगले बिट मार्क तक पूरा इसको लेंथ को मतलब इमेज को यहाँ तक ले आना है, ठीक है, अगले बिट मार्क तक। तो गाइस, आप समझ गए कि हमें फ़ोटो कैसे ऐड करना है। तो आप ऐसे सारे जितने भी बिट मार्क हैं उन सभी में फ़ोटो को ऐड कर लेना, ठीक है। फिर एक बार बता दे रहा हूँ आपको, प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर एक इमेज को क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद ऊपर कॉर्नर पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर कंपोज एरिया क्लिक कर लेना है, फिर अगले बिट मार्क में आना है, फिर बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे सारे में ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं पूरा ऐड कर लेता हूँ, फिर आगे क्या करना है फिर उसको मैं बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसमें सारे फ़ोटो को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद हमें सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट में हमें चले जाना है, ठीक है गाइस। उसके बाद पहले हमें ये रिलिक्स को हमें क्लिक कर लेना है, ये वाले को, ठीक है। फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली से हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सॉन्ग बीट मार्क हम फिर से चले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। जो रिलिक्स है उन सभी में हमें क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक कर लेना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर देना है। फिर अगले में आ जाना है, फिर अगले को क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर अगले में आ जाना है, फिर इसको क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, आप समझ गए कि हमें कैसे पेस्ट करना है। तो आप ऐसे पेस्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ,
रिलीज को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो गाइस ऐसे सारे में इफेक्ट्स में मतलब सारे रिलीज में इफेक्ट्स को हमें पेस्ट कर देना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है गाइस, मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्या करना है फिर बताता हूँ। तो गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लेने के बाद सिंपली से हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सेक इफेक्ट में हम फिर से चले आ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाले को हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाले इमेज को रिफेक्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार के हम फिर से चला जाना है। फिर उसके बाद जहाँ पे हम फोटो ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हमें आ जाना है। ठीक है, ये रहा ये फर्स्ट वाले फ़ोटो को, हमें ये वाले में आ जाना है। फिर उसके बाद इसको क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक कर लेना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो ये दोनों को छोड़ देना है, फिर अगले वाले को हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाला क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो ये दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, फिर ये वाले को हमें क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो ये वाले इफेक्ट्स को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद हमें सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें फिर से सेक इफेक्ट में चले जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले को हमें क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, फिर उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार के फिर चले जाना है हमें, फिर जहाँ पे हमें रिलिक्स ख़त्म होती है वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को इफेक्ट्स को ये फर्स्ट वाले फोटो को हमें छोड़ देना है, फिर सेकेंड वाले फोटो को हमें क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो ये दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ जाना है। ठीक है, ओनली यहाँ जाना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद हमें सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सेक इफेक्ट में फिर से चले जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें तीसरे वाले को हमें क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली से हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हम सॉन्ग बीट मार के फिर से हमें चले जाना है। तो गाइस यहाँ पे आ जाने के बाद हमें तीसरे वाले को हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तीसरे वाले इफेक्ट्स को फिर जहाँ पे फोटो एड कर रहे हैं वहाँ पे आ जाना है। ये वाले फर्स्ट वाले फ़ोटो को छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले फ़ोटो को भी छोड़ देना है, फिर तीसरे वाले फ़ोटो को हमें क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो ये दोनों को छोड़ देना है, फिर अगले वाले को हमें ठीक है यहाँ पे आ जाना है, फिर इसको यहाँ पे फेसो क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर यह हो गया, फिर उसके बाद हमें फिर इधर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सेक इफेक्ट में फिर चले जाना है। ठीक है, फिर यह वाले को हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये पाँचों को हमें कॉपी करना है। ठीक है, जितने भी लेयर दिख रहे हैं उन सभी को तो हमें लॉन्ग प्रेस करना है फर्स्ट वाले में, उसके बाद एक 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 करके हमें इन चारों को भी हमें कॉपी करना है। ठीक है, क्लिक कर लेना है, फिर वीडियो के नीचे प्लस है, प्लस को क्लिक करना है, फिर कॉपी फाइव क्लियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली से हम बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सॉन्ग बीट मार के हम फिर से चले आना है। ठीक है, फिर जहाँ पे हम फोटो ऐड कर रहे हैं वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, हमें यहाँ पे आ जाना है, ये फर्स्ट में हमें आ जाना है। उसके बाद वीडियो के नीचे हम प्लस है, प्लस को क्लिक करना है, फिर पेस्ट फोल क्लियर कर लेना है। ठीक है, इतने में सभी को हमें ऐसे कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ जाना है। ठीक है, सभी को यहाँ ले आना है। ठीक है, ऐसे इसको क्लिक करना है, सॉरी इसको क्लिक करना है, फिर इसको ऐसे को क्लिक कर लेना है, इसको भी ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेने के बाद हम सिंपली सीधे लास्ट में आ जाना है, फिर एक आ करके पूरा लेयर को यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट कर लेने के बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, सॉरी इसको पूरा यहाँ तक ले आना है। ठीक है, ऐसे यहाँ तक ले आना है, फिर इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर कॉर्नर पर चार बटन है, चार बटन को हमें क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नीचे में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को हमें क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट लेगा, बाकी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही।